जंग किसी के भी बीच में हो, लेकिन इसका असर आम लोगों पर पड़ता ही है। इसराइल पर मिसाइलें दागकर हमास के आतंकी तो बिलों में छिप गए, लेकिन अब गाजा की आबादी कराह रही है। वहां बिजली नहीं है, पानी खत्म हो रहा है, इसराइल ने सप्लाई रोक दी है, दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है। 21 लाख आबादी के भूखों मरने की नौबत आ गई है। युद्ध में बेगुनाहों की मौत पर दुनिया आखिर कब तक आंखें मूंदे रहेगी? धमाकों के शोर से दिन का आगाज होता है। आशियाने के जमींदोज होने के खौफ में रात बीतती है। इस मंजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसराइल ने गाजा को गर्त में मिलाने का फाइनल फैसला कर लिया। इसराइली हमलों के 5 दिन में ही गाजा सिटी इमारतों का कब्रिस्तान नजर आने लगी है। जहां तक नजर जाती है, मलबे का ढेर दिखता है। गाजा पर इसराइल जल थल नभ से अटैक कर रहा है। हमले में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें आम लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। You may have seen footage on TV or on social media, and you may see a building standing and then flashes and then the building collapses. And you say to yourself, well, that looks very much like a civilian building. What I want to tell you is that no, that isn't a civilian building. It is a legitimate military target. Israel ne apni fauj ko Gaza par kabze ke liye khuli chhoot de di hai. Isiliye Israel ne Gaza ki 21 lakh abadi ko darbadar karne ki puri taiyari kar di. बड़ी आबादी के पास जरूरी चीजें नहीं है। तेल की कमी से गाजा का इकलौता पावर सेंटर बंद हो चुका है। गाजा में टोटल ब्लैकआउट है। अस्पतालों तक में बिजली सप्लाई ठप है। अस्पताल में बिजली नहीं होने की वजह से घायल दम तोड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो चंद दिनों में बड़ी तादाद में जाने जा सकती है। सबसे ज्यादा संकट अस्पतालों के ICU में है, जहां गंभीर मरीज तो हैं, लेकिन बिना बिजली और मशीनों के कब तक रह पाएंगे? खौफ की वजह से लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं जाने के लिए दूसरी जगह भी तो नहीं। इसराइल और मिस्र दोनों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। गाजा को इसराइल मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर चुका है। गाजा में बिना इजाजत जाने की सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, भले ही गाजा से हमास इसराइल पर रॉकेट और मिसाइलें डाले, लेकिन गाजा को खाने पीने और दवाइयों से लेकर बिजली पानी की सप्लाई इसराइल से ही होती है, जिसे अब ठप कर दिया गया है और UN की एजेंसीज इस पर चिंता जता रही है। We had fled from Abbasan, escaping from death. There were continuous airstrikes over our heads. They told us to come to Khan Yunis. We came to find death. If we stayed in our houses, we die. If we go on the streets, we die. इजरायली बमबारी के बाद खौफनाक हालात गाजा पट्टी के लोगों के सामने मानवीय संकट पैदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायल सैकड़ों टन बारूद से गाजा को पाट रहा है। स्कूल अस्पताल तक महफूज नहीं है। खास बात यह है कि जिस गाजा का चूल्हा ग्लोबल फंडिंग से चलता है, उस पर अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने फिलहाल रोक लगा दी है। सवाल है, इसराइल और हमास के दरमियान छिड़े बारूदी बवंडर में आम लोगों की जान कौन बचाएगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।